हेलो हाय एवरीवन, मैं आपका इंटरनेशनल कोच कैप्टन अमरीश कुमार आधाना। 18 एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट इन 800 मीटर क्वालिफाई फॉर ओलंपिक टोक्यो 2021 3000 मीटर स्टीपल चेस। तो आज हम आपको बताएंगे भर्ती के बारे में। कई बच्चों के कमेंट्स हैं तो कुछ आप भर्ती के बारे में बताइए जहां पर स्पोर्ट्स कोटे की भर्ती होती है। तो मैं सभी को बता देना चाहता हूं, आप किसी भी सेंटर में जाते हैं, कोई भी सेंटर हिंदुस्तान का है, सभी में स्पोर्ट्स कोटा ओपन भर्ती होती है। आप ये इंतज़ार ना करें कि किसी भी सेंटर में भर्ती नहीं होती है। तो ये अपने दिमाग से निकाल दें कि जब आप आर्मी में भर्ती होने जाते हैं किसी भी सेंटर में, तो वहाँ पर स्पोर्ट्स की स्पेशल भर्ती होती है, लेकिन साथ ही उसके कुछ नियम होते हैं। अगर आपके पास पार्टिसिपेट सर्टिफिकेट हैं, नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट में आपका पहला दो पोजीशन है, तो उसका बेनिफिट दिया जाता है। अब वरीयता के हिसाब से आपको अगर प्राथमिकता दी जाती है तो सबसे पहले इंटरनेशनल एथलीट्स हैं उसको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद नेशनल है पार्टिसिपेट उसको वरीयता दी जाएगी, अगर नेशनल में मेडल है तो सबसे पहले लिया जाएगा। तो ये बेनिफिट्स हैं आपके हर सेंटर में। अभी जैसे उदाहरण के तौर पर मैं एक सेंटर बताना चाहता हूँ, ये उसी सेंटर में भर्ती है 15 जनवरी की, जिसमें सुबह 6 बजे आप जाएंगे, थापर स्टेडियम है वहाँ पर, एयूसी सेंटर सिकंदराबाद, वहाँ आपके ट्रायल होनी है। अगर आप में दम है और किसी भी इवेंट का दम है, जो आपके पास इवेंट हैं, आप जा सकते हैं और ट्रायल दे सकते हैं और अपने आप को भर्ती के काबिल हैं तो आप भर्ती होंगे। तो भर्ती स्पोर्ट्स की ट्रायल एयूसी सेंटर सिकंदराबाद में 15 जनवरी को सुबह 6 बजे शुरू होगी। बाकी जो नॉर्मल भर्तियाँ और हैं वो भी उसके साथ ही हैं, जैसे एक्सर्विसमैन की है, सर्विसमैन की है, या विडोज़ है, या शहीद हैं उनके बेटे हैं, तो रिलेशन की भर्ती है प्लस ओपन है स्पोर्ट्स कोटा, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं जाने के बाद। तो है ना अच्छा बेनिफिट आपके स्पोर्ट्स के माध्यम से। अब जैसे आपने कहा कि किसी के क्वेश्चन थे कि कोच साहब हम किस सेंटर में भर्ती देख सकते हैं, तो बेटे सभी के लिए कहना चाहता हूं कि जिनके पास में स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हैं पार्टिसिपेट के या मेडल के, वो सभी किसी भी सेंटर में ओपन भर्ती देख सकते हैं। ये आपके पास एक लाइसेंस है और ये लाइसेंस किसी को नहीं मिलता, क्योंकि सभी सेंटरों में रिलेशन की भर्ती होती है। केवल एक स्पोर्ट्स कोटा ऐसा है जो आपके पास सर्टिफिकेट है और किसी भी सेंटर में आप भर्ती देख सकते हैं और आप में दम है तो आप भर्ती हो सकते हैं। तो कई खिलाड़ी के पॉइंट्स थे कि कोच साहब हम सर्टिफिकेट हैं हम किस सेंटर में जाएं, तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, जब भी भर्ती होती है किसी भी सेंटर में होती है, आप जाइए और आपकी ट्रायल होगी और ट्रायल के साथ आपका सर्टिफिकेट लगा होगा, आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको भर्ती किया जाएगा। अगर आप परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं और ट्रायल में नहीं आ रहे हैं तो फिर तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये आपका बेनिफिट है। अब मेन बेनिफिट ये आता है, जैसे आपने कहा था कि सर हमारे पास तो स्टेट पार्टिसिपेट है, तो बेटे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का बेनिफिट तो आपको ज़रूर होगा, लेकिन स्टेट में पहले दो फर्स्ट सेकेंड दो पोजिशन में अगर आप आते हैं तो आपको बेनिफिट दिया जाएगा। दूसरा उसी के साथ आप ट्रायल में अच्छा करते हैं, ट्रायल और आपका सर्टिफिकेट दोनों मिलाए जाएंगे, लेकिन ये भी याद रखें कि सर्टिफिकेट्स ओरिजिनल होने चाहिए, AFI के द्वारा प्रमाणित, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो प्रमाणित हैं वही सर्टिफिकेट माने जाएंगे। अदरवाइज आप रूरल नेशनल है, रूरल यूथ नेशनल है, उनको कोई नहीं मानता, ये बिल्कुल क्लियर साफ है। आप भर्ती देखेंगे, कई बार आपके सर्टिफिकेट देख लेंगे, आप भर्ती भी देखेंगे, ट्रायल भी होगी, आपका सिलेक्शन भी होगा, लेकिन जब इंक्वायरी के लिए जाएंगे और फेडरेशन बोल देगी ये हम मानते नहीं, हम जानते नहीं, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये आपके लिए नुकसान हो सकता है डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के साथ। पॉइंट और था कि हम किस स्टेट से हैं, किस स्टेट की भर्ती है क्या हम देख सकते हैं, नहीं। तो मैं कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान के आर्मी के किसी भी सेंटर में आप कोई भी स्टेट के हैं, स्पोर्ट्स कोटा हर स्टेट का सभी सेंटर में होता है। केवल एक यही ऐसा सर्टिफिकेट है आपके पास स्पोर्ट्स का जो कोई स्टेट नहीं देखा जाता,
और AOC सेंटर में 20% वैकेंसीज स्पोर्ट्स कोटे की हैं, काफ़ी होती हैं अगर आप में दम है तो। 20% स्पोर्ट्स कोटे की वैकेंसियां हैं, आप अगर फ़ायदा उठा सकते हैं तो उठाइए। साथ ही उनकी शर्त ये भी है कि 2 साल के ड्यूरेशन में, आपके 2 साल के बीच में सर्टिफिकेट होने चाहिए। अगर 2 साल से ज़्यादा आपके सर्टिफिकेट हैं तो उनकी मान्यता नहीं है, वो रद्द कर दिए जाएंगे। 2 साल के बीच में ही आपके कंपटीशन और पार्टिसिपेट सर्टिफिकेट हैं तो उनको मान्यता है। दूसरा, आप कई बार कहते हैं कि मेरे साथ भाईबंदी हुई, बाहर आए के ऐसा बोलते हैं, लेकिन नहीं, शिकायत कोटा वहाँ पे है, वहाँ पे एक ऑफिसर साहिबान बैठेंगे जहाँ आपकी भर्ती होगी, वो आपकी शिकायत सुनेंगे, एक अधिकारी वहाँ पे नियुक्त किया गया है। अगर आपको कोई परेशानी होती है, सर मेरी चेस्ट कम नाप दी, मेरी हाइट कम नाप दी, तो आप अंदर ही बताइए, अंदर ही आपका निवारण भी होगा और आपको डिसीजन दिया जाएगा। इसीलिए वहाँ पे हमारे बड़े अच्छे अधिकारी एक अलग बैठते हैं, सामने लिखा होता है कि आपकी कोई शिकायत है या शिकवा है, उसको निपटाने के लिए वहाँ पे बैठे हैं, आप देखें। लेकिन बाहर आए के आप ऐसा ना कहें कि यार मेरी चेस में निकाल दिया, मेरी हाइट अच्छी थी निकाल दी, आपको डाउट है, आप लिखें वहाँ पे एप्लीकेशन, सर मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, आपकी दोबारे सेम हाइट कम होगी, नापी जाएगी, अधिकारी साहब खुद नापेंगे। और अगर आपकी हाइट में गड़बड़ी है और आपको लगता है आप में दम है, तो आपकी हाइट भी दोबारा नापी जाएगी। ये सारी चीज़ें आपके अंदर ही होंगी। आप कहते हैं बाहर आने के बाद कि मैं बहुत अच्छा दौड़ रहा था, मैंने उसको मारा था, मैं फर्स्ट था, मैं सेकंड था और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसा मैंने देखा है और कमेंट्स भी आते हैं कई। तो दोस्तों ये गलत बात है, ये चलने वाली नहीं है। जब आपके लिए अंदर ही वो शिकायत है, शिकायत कक्ष वहाँ पे बना है, हमारे अधिकारी बैठे हैं आपकी सुनने के लिए, तो आप उनके पास जाइए, मत डरिए, वो आप ही के लिए बैठे हैं और वो चाहते हैं कि आप उनसे ये बताएं कि सर हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है और हम में दम है, मेरी चेस्ट पूरी थी कम निकाल दी, मेरी हाइट कम थी इन्होंने कम उतार दी, मेरा वेट कम था इन्होंने ज़्यादा कर दिया। ये सारी चीज़ें सुनने के लिए वो अधिकारी साहब वहाँ बैठे हैं स्पेशल, आप देखिएगा वहाँ पर अलग लिखा होगा शिकायत कक्ष, एक दो अधिकारी साहब बैठेंगे वहाँ पे, दो आप ही की सुनने के लिए। तो ये बात भी क्लियर होगी कि आपके साथ भाईबंदी होगी, तो सेना में भाईबंदी नहीं होती, मैंने तो देखा नहीं है। अब आप जो मैंने बताया है वो कार्रवाई खुद करके देखना और फिर कमेंट्स लिखना, हाँ को साहब आप सही बोल रहे थे। बोलते हैं ना कई बार, यार मैं बहुत अच्छा दौड़ा था मुझे निकाल दिया, बिल्कुल नहीं निकालते। अच्छे खिलाड़ी भर्ती करने के लिए 20% कोटा दिया जाता है कि आप अच्छे खिलाड़ी भर्ती हों, और सेना ही एक ऐसी संस्था है जो बेस्ट खिलाड़ियों को भर्ती करती है। थोड़ा टैलेंट होना चाहिए आप में और सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रैक्टिकल ग्राउंड में आप अच्छे होने चाहिए तो आपको भर्ती करती है। सेना वह संस्था है जो सबसे ज़्यादा नौकरी नौजवानों को देती है, स्पोर्ट्स के माध्यम से भी और वैसे भी। अब हर सेंटर में इतनी वैकेंसीज हैं, जहाँ भी आप भर्ती होने जाएंगे स्पोर्ट्स कोटा सब में मिलेगा, लेकिन खिलाड़ी नहीं मिलते। वो मिलते हैं जो यूथ रूरल एरिया के आते हैं, जिनका सर्टिफिकेट की मान्यता नहीं होती। मैंने पहले कहा है एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की ही सर्टिफिकेट की मान्यता है। तो आशा करता हूँ कि जो मैंने आपको बताया आप इसका फ़ायदा उठाएंगे। और इसी के साथ मैं आपका इंटरनेशनल कोच आपसे विदा लेता हूँ, एक अच्छी वीडियो के साथ फिर आपके साथ आऊँगा, जैसे भी आपकी डिमांड होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड लक।